धार सुकमा में एक बार फिर नक्सलियों और सुरक्षा बलों में मुठभेड़ हुई है। एक नक्सली का शव बरामद किया गया है। एहतियातन सर्चिंग जो अभियान है वो तेज कर दिया गया है। सुकमा के भेजी में भंडार पदर में ये मुठभेड़ हुई है। इधर रायपुर में जारी है बीजेपी विधायक दल की बैठक। बैठक में बजट सत्र को लेकर मंथन चल रहा है। लोकसभा चुनाव की रणनीति पर भी जाहिर तौर पर इस दौरान चर्चा होगी। बीजेपी विधायक दल की बैठक चल रही है। बजट सत्र और आगामी लोकसभा चुनाव, इसे लेकर रणनीति पर चर्चा हो रही है। सीधा रायपुर लिए चलेंगे। सहयोगी युगल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या कुछ उस बैठक का अपडेट युगल के पास है वो उनसे जान लेते हैं। युगल, बैठक का क्या कुछ अपडेट अब तक? देखिए, बैठक है, बीजेपी विधायक दल की जो बैठक है वो शुरू हो चुकी है। कुशाभाऊ ठाकरे बीजेपी कार्यालय में बैठक है, वो चल रही है। सभी तमाम जो मंत्री हैं, विधायक हैं, वो वहाँ बैठक में पहुंच चुके हैं, शामिल हुए हैं। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। खास बात यह है कि कल से विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है और 1 मार्च तक जो सत्र चलेगा। और इस तरह से जो सदन में जवाब कैसे देना है, किस तरह से जवाबों को दिया जाएगा, साथ ही साथ जो बजट सत्र है तो किस तरह से रूपरेखा रहेगी, तमाम विषयों पर यहां पर राय सुमारी है, चर्चा है, वो की जा रही है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन युगल बने रहिएगा, आगे भी एक अहम खबर को लेकर हम युगल से चर्चा करने वाले हैं। और न्यूज 18 की खबर पर एक बार फिर मुहर लगी है। 9 फरवरी को छत्तीसगढ़ का बजट पेश होगा। हमने शुरुआत में ही आपको बताया था कि 9 फरवरी को छत्तीसगढ़ का बजट पेश हो सकता है। अब ये तय है, वित्त मंत्री ओपी चौधरी दोपहर 12:30 बजे लेखा जोखा पेश करेंगे। लंबे अरसे बाद ये होगा कि वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी अलग मंत्री के पास है। आमतौर पर इससे पहले ये नजर आया कि ये मुख्यमंत्री के पास हुआ करती थी, शुरुआत से नहीं, बाद में परंपरा बनी थी। अब ओपी चौधरी के पास वित्त मंत्री की जिम्मेदारी और वो दोपहर 12:30 बजे बजट पेश करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने इस बात की जानकारी दी है। द्वितीय सत्र बजट सत्र दिनांक 5 फरवरी से 1 मार्च 2024 तक आहूत की गई है। छत्तीसगढ़ के षष्ठम विधानसभा का यह द्वितीय सत्र नव वर्ष 2024 का प्रथम विधानसभा का सत्र है। इस सत्र में कई मायने में महत्वपूर्ण होने वाला है। प्रदेश की नई सरकार के बजट प्रस्तुत किया जाएगा। सरकार के बजट के अनुसार छत्तीसगढ़ के विकास की दिशा तय होगी। इधर लोकसभा